भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी भवन स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक मुक्त अभियान का आरंभ किया है, जहां प्रत्येक सांसद ने अपने क्षेत्र में इस अभियान को शुरुआत किया, जिसके अंतर्गत आज अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने पुष्कर मंदिर में पूजा कर प्लास्टिक मुक्त भारत की शुरुआत की। गांधी भवन स्थित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, विधायक अनिता बदेल, महापौर धर्मेंद्र गहलोत, कंवल प्रकाश कृष्णानी, नंद सिंह राजावत, बीएस हाड़ा, रंजन शर्मा, रोहित यादव सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती का अवसर, और इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ गांधी की समाधि के ऊपर एकत्रित हुए, उनको मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण किया। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। मैं उन दोनों को ही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के दिन का विशेष महत्व है कि गांधी जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। गांधी जी का संदेश आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले ये सब जगह सार्थक है, और इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी हम सब उस रास्ते पर चलकर एक मजबूत और स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में अग्रसर है। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता की बात की थी, गांधी जी ने खाती को अंगीकार करने की बात की थी, गांधी जी ने कहा था कि कहीं हम इसको वृक्षारोपण और पर्यावरण की शुद्धि की बात की, भ्रष्टाचार मुक्ति की बात की। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संदेश में गांधी के इन 5 चीज़ों को देश में आगे बढ़ाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, प्लास्टिक के कारण से जो पर्यावरण को भयंकर दिक्कत हो रही है, उस पर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नो कहें, तिलांजलि दें, ये आह्वान किया था। साथ ही खादी को अंगीकार करने की बात की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत और वृक्षारोपण के माध्यम से आने वाले समय में पर्यावरण की चुनौती है, उसके लिए भी हम सब समाज को तैयार करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज के दिन इन संकल्पों के साथ अपने दिन की शुरुआत की है। आज सारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, जैसा पार्टी ने तय किया कि 150 किलोमीटर की पदयात्रा, प्रतिदिन 15 किलोमीटर की पदयात्रा पूरा करेंगे। ये अभियान 2 से 29 अक्टूबर तक चलेगा। अजमेर में भी आज यहाँ के सांसद भागीरथ चौधरी जी ने प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके अपनी यात्रा की शुरुआत की है, और नियमित रूप से यात्रा चलेगी। हम इसके माध्यम से आम जन से अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का संदेश, स्वच्छ भारत का संदेश, खादी के अंगीकार करने का संदेश, प्लास्टिक की मुक्ति का संदेश, वृक्षारोपण का संदेश और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संदेश को आगे बढ़ाने की बात। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर भारत स्वच्छ बने, जो उनका सपना था। भारत प्रदूषण जो हुआ है हवा में, उससे मुक्त बने। जो भ्रष्टाचार की परंपरा बनी है, वो भ्रष्टाचार की परंपरा टूटे और एक साफ सुथरा, अच्छा, श्रेष्ठ भारत, जिसको हम कह सकते हैं, उसकी परिकल्पना जो गांधी जी ने की थी, उसको साकार करने के लिए प्रण लेना, शपथ लेने की बात आज कही है। इसके साथ ही वृक्षारोपण और सिंगल यूज़ प्लास्टिक की थैली से इस पूरे देश को मुक्त करना है, ये शपथ आज गांधी जी की जन्म जयंती पर सभी कार्यकर्ताओं ने ली है, और देश के लोगों से भी यही आह्वान किया है। और इसी क्रम में आज हमारे सांसद महोदय की पदयात्रा भी प्रारंभ हुई है, जो स्वच्छता अभियान से पुष्कर सरोवर की पूजा और पुष्कर सरोवर की सफाई से प्रारंभ हुई है। तो इस तरह से हम संकल्पबद्ध हैं कि महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर उनके सपनों का भारत हम बनाए।
स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।